नमस्कार, संगीतास किचन में आपका स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं, मेरे पास हैं दो ये पिज्जा बेस और मैं बनाने जा रही हूँ डबल डेकर पिज्जा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसकी टॉपिंग तैयार करनी होगी। तो मैं डालूंगी ये ऑयल के अंदर थोड़ी प्याज, और प्याज के भुनने के लिए मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी पालक, हरी मिर्च, हरा धनिया, ये सब चीजें मैं इसके अंदर डालूंगी। और साथ में मैं डालूंगी ये थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, और मैं डालूंगी थोड़ा सा अदरक का पेस्ट, और इसको मैं भून लूंगी। तो ये देखिए, प्याज मेरी थोड़ी सी सौटे हो गई। तो इसके अंदर अब मैं डालूंगी टमाटर। आज हम एक पिज्जा बनाने जा रहे हैं और वेजी भी यूज कर रहे हैं। मैं आपको पहले चिकन, मशरूम सबके पिज्जा दिखा चुकी हूँ, तो आज हम बनाएंगे चीजी एग डबल डेकर पिज्जा। तो जब तक ये सॉटे हो रहा है, तो चलिए मैं अंडे फेंट लेती हूँ। ये मैंने चार अंडे लिए हैं, इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा नमक और मिर्च। मैंने अभी प्याज में नहीं डाला, तो मैं इसी के अंदर डाल रही हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा फेटूंगी कुछ इस प्रकार से। थोड़ा सा हमें स्टर करना है, और फिर जैसे आप रंबल टंबल बनाते हो उस तरह से हम बनाएंगे अपनी पिज्जा की बढ़िया सी टॉपिंग। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। तो देखिए, ये मैं ले रही हूँ एगलेस मेयो, जिसकी मैं बेस पे ड्रेसिंग कर रही हूँ अपने फर्स्ट पिज्जा बेस के। मैं जब तक मेरे प्याज और टमाटर बेस के लिए तैयार हो रहा है, तो मैं कर देती हूँ इसकी ड्रेसिंग। आप आराम से लगाइए, खूब अच्छे से लगाइए लेविशली, और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी सॉस। अब देखिए, मैंने पहले मेयोनीज लगा दिया, और अब मैं लगा रही हूँ ये रेड पास्ता सॉस। देखिए, ये हमारा बेस है, हम डबल डेकर बना रहे हैं, तो ये मेरा फर्स्ट बेस है। और इसी के ऊपर मैं रख दूंगी थोड़े से चीज के स्लाइसेस। जितना आप पास्ता पिज्जा को चीजी करेंगे, उतना ही ये बढ़िया बनेगा। और यहां मेरी ये बैटर हो गया तैयार, तो मैं अब डाल रही हूँ इसके अंदर ये अंडे, और थोड़ा सा ये एग बेस मैं फर्स्ट वाले पिज्जा बेस पे भी डालूंगी। तो चलिए इसको स्टर करके तैयार कर लेते हैं। नमक मिर्च हम सब डाल चुके हैं इसके अंदर, हरा धनिया, प्याज, लहसुन, तो दिस विल गिव अ वेरी नाइस टेस्ट। साथ में सॉस की बेस है, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो थोड़ा इसको पका लेते हैं, फिर मिलते हैं। अब देखिए, मैं थोड़ी सी मोज़रेला चीज बेस पे लगा दूंगी। आखिर हम लोग डबल डेकर चीज पिज्जा बनाने जा रहे हैं, और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ये थोड़ी सी टॉपिंग अंडे की। ये देखिए, वाओ, बहुत ही बढ़िया लगेगा। और बस नीचे तक इसमें सारा टेस्ट आ जाएगा। ये देखिए, तो अब डबल डेकर की नेक्स्ट लेयर की हम करते हैं तैयारी। तो मैं ये इस तरह से इसके ऊपर रखूंगी, और इस पे मैं लगाऊंगी थोड़ा सा बटर। अब मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा मेयोनीज इसके ऊपर। बटर मैंने रख दिया, बटर सर्दी है तो आपको पता है, ठंडा है पर ये मेल्ट हो जाएगा। और इस तरह से इसके बेस पे हम बिल्कुल इसको क्रीमी कर देंगे इस तरह से। ये देखिए,
तो ये देखिए मैंने मेयोनीज लगा दी। पिज्जा का रूल ये है कि आप जितना चाहें जैसा चाहें इसकी ड्रेसिंग कर सकते हैं। और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी ये मेरा रंबल टंबल एग जो मैंने तैयार किया है। ये पूरी तरीके से हम इसको इसके ऊपर लगाएंगे कुछ इस प्रकार से। ये इतना हेवी और बढ़िया बन के होगा तैयार कि बस कोई गुंजाइश ही नहीं होगी कि किसी को ना पसंद आए। ये देखिए है ना बढ़िया। और अब मैं साइड में लगाऊंगी इसके अंदर टमाटर। इसकी बहुत ही सुंदर मुझे करनी है ड्रेसिंग। ये देखिए और जब ये टमाटर बेक हो जाएंगे तो यकीन जानिए बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा। तो इस तरह से मैंने कर दी इसकी ड्रेसिंग और ऊपर से मैं डालूंगी इसके अंदर ये मोज़रेला चीज और थोड़ा सा मैं स्प्रिंकल करूंगी इसके अंदर ये काली मिर्च और थोड़ा सा हम नमक भी ऊपर से डाल देंगे इस तरह से। और मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ी सी ये सॉस। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना बढ़िया। तो आज आप एंजॉय करिए ये चीजी एग पास्ता और मुझे बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं बेकिंग के लिए। तो देखिए अब मैं इसको और चीजी बना रही हूं इस तरह से। इसमें और चीज डाल के और बस अब रखूंगी इसको बेकिंग ट्रे के अंदर। ये देखिए ये है मेरी बेकिंग ट्रे और इसमें ये तैयार है मेरा पिज्जा। तो चलिए मिलते हैं 30 मिनट्स की बेकिंग के बाद। तो ये देखिए प्री हीटेड अवन मेरा 180 डिग्री पे था और दोनों साइड से मैंने बेकिंग को ऑन कर दिया और ये रख दिया मेरा पिज्जा। तो चलिए अब मिलते हैं करीब 30 मिनट बाद इसकी बेकिंग के बाद। दिखाते हैं आपको कैसा बना डबल डेकर एक पिज्जा। देखिए पिज्जा बेक हो गया बढ़िया और अब मैं इसको शिफ्ट करूंगी सर्विंग प्लेट के अंदर। ये देखिए वाओ है ना बढ़िया। और अब इसकी हम करेंगे कटिंग। अब देखिए इस तरह से ये कटिंग हो जाएगी। वाओ आप सोच भी नहीं सकते ये कितना सॉफ्ट और कितना बढ़िया बना है और पूरा चीजी। इट इज सो चीजी एंड नाइस। मैं आपको एक पीस अलग करके दिखाती हूँ और इसकी करते हैं हम प्लेटिंग। अब आप खुद देखिए कितना चीजी और कितना बढ़िया। मैं आपको इसको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए है ना बढ़िया एंड सो चीजी। तो बस इस तरह से हम इसके पीसेस करेंगे और सर्व करेंगे आज का ये एग चीजी पिज्जा।
तो देखिए ये एक और पीस। वाओ, आप देख सकते हैं, कैन यू सी द चीज? सो इट्स अ लवली चीज बस्ट। ये देखिए, बढ़िया। तो आज इंजॉय करिए आप चीजी एग पिज्जा, और मुझे बताइए आपको ये प्यारी सी रेसिपी कैसी लगी, है ना बढ़िया एंड टेम्पटिंग। और बाकी का पिज्जा भी आप देखिए कितना फर्स्ट क्लास। तो चलिए आज का डिनर चीज एग पिज्जा के नाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लव सच टेस्टी रेसिपीज।